Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. Today we are going to talk about the Klairs Midnight Blue Calming Cream. I am going to review this cream and I am going to let you know my thoughts about this one. So please keep on watching. आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय कंटेंट. यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई पोस्ट अ लॉट अबाउट माय रूटीन्स, अबाउट माय रिव्यूज एंड आल्सो अपडेट डिस्काउंट्स एंड डील्स ऑन माय स्टोरी. सो यू कैन डेफिनेटली चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रीम. So I got the Klairs Midnight Blue Calming Cream from the website called Limesse. I will leave a link in the description box below. They had this secret Santa thing wherein un logon ne kuch logo ko choose kiya tha and they had to play secret Santa. So I had given my I had chosen a gift for somebody else and somebody else chose this and the Midnight Blue Calming Cream, Midnight Blue Calming Sheet Mask for me. So I got that as well and I really really like both of these gifts. So Limesse is a company that it has a website and also an Instagram page. I will leave a link so you can check them out. They sell majority K-beauty brands like Klairs, then Limesse, then A by Bomb. They also have Make Prem K products. They have recently launched that as well. They have Cosrx also. So you should definitely check it out. क्योंकि जब आप उनके through कुछ buy करते हैं तो फिर साथ में आपको थोड़े बहुत free samples भी they send. So that's a big thumbs up from my side. I really like that. Coming back to the cream. So now I have oily and acne prone skin. मुझे एक्ने भी बहुत जल्दी हो जाता है. समटाइम्स आई गेट ड्राई पैचेस ऑल्सो. माई एक्ने जनरली टर्न लाइक रेड एंड थोड़े इची भी हो जाते हैं. लाइक ऐसे इचीनेस भी होता है, रेडनेस हो जाता है. व्हेन आई गो आउट इन द सन आई फेस अ लॉट ऑफ सन बर्न्स का इशू. मैं बहुत मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है सन के लिए. तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो इट टर्न्स रेड एंड बहुत ऐसे हीट महसूस होता है. सो फॉर that I think this cream has been the perfect savior for me. Let's talk about the claims that it has and some of the ingredients ke ye goodie mein kya hai. Okay, firstly before anything let's talk about the packaging. This comes in a black cardboard box. It has all the details written over here. एक साइड पे डिटेल्स इंग्लिश में है और एक साइड पे कोरियन में है, विच इज़ फॉर एनी कोरियन स्किन केयर ब्रांड. आई थिंक द पॉट, द टब लुक्स लाइक दिस. इट इज़ वेरी क्यूट एंड कॉम्पैक्ट एंड आई रियली लाइक इट. एकदम क्यूट एंड लक्स फीलिंग आती है. इट ऑल्सो कम्स विद अ स्पैचुला. सो पीपल हु हैव इशूज़ के ये ट्यूब में होना चाहिए था, इससे हाइजीनिक नहीं है. सो यू कैन ऑब्वियसली यूज़ अ स्पैचुला एंड इट मेक्स द होल प्रोसेस वेरी हाइजीनिक एज वेल. नाउ आई हैव फिनिश्ड दिस सो आई कांट रियली शो यू द टेक्स्चर, बट आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ओवर हियर. द टेक्स्चर ऑफ दिस इज़ लाइक रियली स्मूद एंड क्रीमी एंड इट हैज़ अ रियली ब्यूटिफुल एकदम सूदिंग वाला ब्लू कलर विच आई एब्सोल्यूटली लव. लाइक वो ब्लू कलर देख कर ही आपको ऐसा लगेगा वाओ इट्स सो ब्यूटिफुल एंड यू कैन जस्ट चेक द पिक्चर ओवर हियर. इट इज एब्सोल्यूटली स्टनिंग. नाउ दिस क्रीम, द ब्लू कलर ऑफ द क्रीम इज बिकॉज ऑफ एजुलिन. एजुलिन इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ कैमोमाइल. कैमोमाइल वी ऑल नो दैट इट्स अ वेरी सूदिंग इन्ग्रीडियंट. सो एजुलिन क्या होता है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसमें. बहुत सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को और बिकॉज ऑफ दैट इस क्रीम का कलर भी ब्लू है. एंड इट द मेजर क्लेम ऑफ दिस क्रीम इज दैट इट्स अ कामिंग एंड अ सूदिंग क्रीम. Now, like I said, that the texture of this cream is very nice. It looks very thick and creamy. लेकिन जैसे ही आप इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे वो एकदम melt हो जाता है आपकी स्किन में. आपकी स्किन heavy नहीं feel करती. You don't feel like it's greasy or it's become oily. ये आपके pores को भी नहीं clog करेगा, which is the biggest issue with like people who have oily and acne prone skin. कि आपके pores को clog कर सकता है कोई भी thick cream, but that's not the case with this one.
people with dry skin can also use it. If you have like a lot of rashes, aapki bahut dehydrated skin hai, aap sun mein jaate ho to aapko bahut redness ho jata hai. So this really helps to calm your skin down. It helps to, matlab, it's not really a moisturizer. It is a spot treatment, keh sakte hain aap isko. You cannot use it as a cream ki aapne apni puri face pe laga liya aur aapka face moisturized feel karega. Waisa nahi hai. It's like a spot treatment which you put on over your irritated areas. Jaise for example, agar mujhe dry patch ho gaya hai, agar main sun mein ja rahi hu to mujhe sun burn ho gaya hai, mujhe itne hisse mein samjho rash ho gaya hai, to I will apply it over that area and that area will be soothed and wo cooling or calming effect ye cream se aayega uske liye. बीच में मुझे काफ़ी मेरी स्किन इरिटेटेड हो गई थी. माय लेग्स एंड माय हैंड आई यूज टू इच देम एंड दे हैड बिकम रियली रियली इची. मैं उसको इतना स्क्रैच कर रही थी दैट इट यूज टू लुक लाइक अ कैट, यू नो. उसने मुझे पंजा मारा हुआ है, मेरे फुल लेग पर ऐसे स्क्रैच मार्क्स हो गए थे एंड नथिंग वॉज वर्किंग. लाइक आई वेंट टू द डर्मेट ऑल्सो, मैंने एंटी एलर्जी मेडिसिन ली एंड उसने भी मुझे कोई क्रीम सजेस्ट किया था, मैंने वो भी अप्लाई किया बट इट वॉज नॉट रियली वर्किंग आउट. देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस क्रीम ऑन दोज इरिटेटेड एरियाज जहाँ पर भी मुझे रैशेज थे, जहाँ पर भी मुझे इचीनेस थी. लाइक इट वॉज रियली बैड. तो बट दिस क्रीम इट रियली रियली हेल्प टू काम दैट यू नो इरिटेटेड एरियाज डाउन. मुझे उसके बाद जो स्क्रैचेस हो गए थे वो भी मेरे क्लियर अप होने लगे, मुझे इतना ज़्यादा इचीनेस भी नहीं फील हो रहा था. सो दिस रियली हेल्प मी टू रिपेयर माई स्किन. इट रियली हेल्प टू काम माई स्किन डाउन विच आई एब्सोल्युटली लव दिस. लाइक I would definitely recommend this cream for anybody who has sunburn issues, somebody who has sensitive skin. अगर आपको बहुत rashes जल्दी हो जाते हैं, you can definitely use this on any part of your body. It's not just the face. आपको rashes वगैरह किधर भी हो सकते हैं, arms पे, legs पे, you can definitely use it. मैंने इसे वहाँ सब use किया है, legs पे and all, and I never really faced any issue. In fact, it worked really, really well for me. So definitely आप इसको कोई भी part of the body पे use कर सकते हैं. Wherever you have irritated skin, redness है आपको, आपका जो भी acne वगैरह होता है वो बहुत red हो जाता है and it you know बहुत ऐसे irritated feel होता है, so उसके ऊपर भी आप apply कर सकते हैं and it really helps to cool that area down. So like I said, this cannot be used as a moisturizer. ये आपको ध्यान में रखना है that अगर ये आप use कर रहे हैं that does not mean that you can skip on a moisturizer. If you have oily skin then you can go for gel based moisturizers. If you have dry skin you can always go for your regular whatever creamy moisturizers that you are using. This is just like a spot treatment for irritated and you know a very irritated the skin basically. So yes, the next thing that I want to talk about is this midnight blue calming sheet mask. This has bamboo charcoal sheet. इसका जो sheet mask है वो black in color है, which was very interesting and very intriguing for me. Like I've never used some sheet mask जिसका black color हो, and it claims to have calming care and cooling effects and it definitely does have all those properties. जब मैंने इसको अपनी स्किन पे अपने फेस पे अप्लाई किया था instantly like I felt very ऐसे मेरी स्किन बहुत सूद फील कर रही थी. मुझे काफ़ी सारा एक्ने हो रखा है, बहुत रेडनेस हो जाती है एंड समटाइम्स मैं एक्ने ऑल्सो टर्न्स क्वाइट इची. मुझे जो एलर्जी इश्यूज हुए थे वो मेरे फेस पर भी मुझे यहाँ सब में थोड़ा सा ऐसे इचीनेस फील हो रहा था एंड दिस रियली हेल्प टू काम माई स्किन डाउन. अच्छे से हाइड्रेट करता है, काफ़ी एसेंस है इसके अंदर जो मुझे कुछ ड्राई पैचेस वगैरह भी हैं तो फिर वो उसको भी हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है. सो इट्स लाइक अ वेरी गुड क्विक फिक्स. अगर आपके बहुत ज़्यादा इरिटेटेड स्किन है, यू हैव लाइक एन इवेंट और अ फंक्शन टू गो टू, या फिर कुछ नहीं तो आप रात में आप सोने के टाइम पे, जनरली मैं ऐसा करती हूँ दैट रात में सोने के टाइम पे आई जस्ट अप्लाई दिस देन 15-20 मिनट्स के बाद आई टेक इट ऑफ, पैक द एसेंस इन एंड देन आई गो ऑफ टू स्लीप. सो बिकॉज समटाइम्स शीट मास्क यूज़ करने के बाद जो चेहरे पर स्टिकीनेस रह जाती है ना, मुझे वो पसंद नहीं आती एंड थ्रू आउट द डे आई जस्ट कांट टेक इट. सो दैट्स व्हाई आई अप्लाई इट एट नाइट कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन जस्ट स्लीप.
so you can definitely use it. I am trying to move away from sheet masks. I don't use sheet masks now. I don't buy them. Jitne hai mere paas main unko khatam karne ki koshish kar rahi hu. Bahut zyada hai bhi nahi because I'm not really a fan of sheet masks. Mere paas 3-4 hi honge actually. But if you are somebody jo aap bahut zyada skin care nahi karte hain, aapko bahut matlab you know क्विक फिक्स की ज़रूरत पड़ती है, आप बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आपका कुछ रिसेंटली कोई फंक्शन है जो आपको अटेंड करना है एंड यू नीड दैट ब्राइटनेस, यू नीड टू हेल्प योर स्किन टू रिजुविनेट, टू हेल्प योर स्किन टू काम डाउन, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. यू कैन गेट दिस फ्रॉम लिमेस. बोथ द थिंग्स जो दोनों मिड नाइट ब्लू कमिंग सेट है, क्रीम एज वेल एज शीट मास्क, दे बोथ आर अवेलेबल ऑन लिमेस. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू शुड definitely get the cream. If you have sensitive irritated skin, then definitely aapko ye bahut zyada pasand aayega. So that was my short and sweet review about the Klairs midnight blue calming set, I would say. If you liked it, then like I have already told you before, please like this video, subscribe to my channel, it would mean a lot to me, and I will see you in the next one. Bye.